अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ विकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, आज हमने एक सिंपली बिल्कुल एक डिज़ाइन तैयार करना है, वो भी फुटबॉल की मदद से। लेकिन जैसा कि हम पहले करते थे वैसा आज नहीं होगा। आज जस्ट हमने कोई कलर अप्लाई नहीं करना, सिर्फ बेस बनानी है इसकी। और बेस बनाने के बाद हमने कोई सा भी कलर ले लेना है, दो तीन कलर ले लें, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये एक क्रिमसन कलर जो ले लिया है, रोज़ कलर, तो उसको हमने इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड बनाकर, तो इस तरह से इसको जस्ट अप्लाई करना है। ये बहुत ही एक सिंपली और जहां जितनी जगह पे आप चाहें इसको लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। ये कलर लगाकर इसमें दोबारा फिर से हम कोई और शेड डाल लेते हैं। ये एक ब्लू शेड है, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर हो जाएगा और थोड़ा सा शेड इसका चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालना है, चंद कतरे, तो इसको इस तरह से हल कर लेना। ये देखें, इतना गाढ़ा भी नहीं है और इतना पतला भी नहीं है। इसको मीडियम में रखना है ताकि लिक्विड शेप में आ जाइए। तो अब हम इसको इस तरह से टच करेंगे। तो इस तरह से यूं इसको अप्लाई कर देना है। एक मरतबा हमने इसको लगाकर कलर, और कम से कम दो से तीन जगहों पे हमने इसको एडजस्ट करना है, ताकि कोई जगह इसकी जो लाइट हो जाएगी, जहाँ पहले हम लगाएंगे वो लाइट होगा, और जैसे जैसे इसको डाउन करते जाएंगे देर पा और ये लाइट होता जाएगा। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया बताया है, क्योंकि मैंने वैसे इसकी बेस जो ओरिजिनल तरीके में नहीं लगाई, तो मैंने सोचा था ये एक आइडिया न्यू है, तो इसको भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इसलिए मैंने सिंपली एक पुरानी बेस पे ये काम चलाया है। तो अब ये दो शेड हो गया, और इसमें हम तीसरा शेड ये ग्रीन का भी थोड़ा सा टच लगा लेते हैं। बिल्कुल ये सिंपली है, इसमें कोई इतना, एक आम इंसान भी इसको कर सकता है, कोई इसमें सीखने वाली ज़रूरी बात नहीं है। ये थोड़ा सा ग्रीन शेड आ जाएगा, इसको भी इसी तरह से हमने हल कर लेना है। तो अब हम इसको भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।